दुर्गा पूजा समितियों की बैठक, सुरक्षा, विद्युत एवं यातायात व्यवस्था पर जोर। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आज नगर के विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से दुर्गा प्रतिमा स्थापना के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पर बल दिया गया। नगरपालिका क्षेत्र में इस वर्ष आधे सैकड़े से अधिक स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता SDM मंडला ने की, जिसमें SDOP मंडला, तहसीलदार मंडला, यातायात प्रभारी मंडला और थाना प्रभारी शफीक खान भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आयोजकों को CCTV कैमरों की स्थापना, उचित विद्युत व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। SDM मंडला ने कहा कि सभी पूजा पंडालों में CCTV कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना पर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने उचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्युत सुरक्षा के मानकों का पालन करने पर भी जोर दिया। पंडालों के आसपास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। पुलिस प्रशासन की ओर से SDOP मंडला ने बताया कि विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यातायात प्रभारी ने कहा कि ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था के लिए कई प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया जाएगा और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। TI शफीक खान ने कहा कि पूजा पंडालों के आसपास विशेष सुरक्षा निगरानी रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी आयोजन समितियों से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आयोजन समितियों को आयोजन स्थलों पर अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। समारोह के दौरान COVID-19 से संबंधित सावधानियों का भी पालन करने की अपील की गई, जिसमें मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा निर्देश शामिल हैं। बैठक में उपस्थित दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे सभी आवश्यक निर्देशों का पालन करेंगे और शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा का आयोजन करेंगे। आगामी जो त्यौहार है, दुर्गा जी का उत्सव होने वाला है 3 तारीख से, उसके संबंध में जो जिला स्तरीय कल शांति समिति की बैठक थी, उसके निर्देश के परिपालन में आज जो बैठक हुई है, उसमें हमारे द्वारा निर्णय दिया गया है कि जो विसर्जन तिथि है वो जो 12, 13, 14 और 16 तारीख है, उसी तारीख पे आप विसर्जन कराएंगे। जो हमारा विसर्जन कुंड 2 जगह बनता है, नावघाट और महाराजपुर संगम में, वहाँ पे विधिवत विसर्जन करेंगे। प्लस जो चल समारोह, जो यहाँ पे बड़ा आयोजन होता है चल समारोह का, उसमें जो डीजे वाले जो समिति की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ये है कि जो भी आप गाने बजाएंगे वो धार्मिक ही हो, कोई भी सांप्रदायिक भावना वाले गाने वो नहीं बजाएंगे। चूँकि सीवर लाइन का हम प्रायोरिटी पे जो हमारा चल समारोह जिस रूट से जाएगा, प्लस जो अन्य जगह जहाँ पे भी हमको अभी सूचना मिली है कि वहाँ पे गड्ढे के कारण हो रहा, तो उसको हम फिलअप करवा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा चल समारोह के पहले हमारा पूरा रोड मरम्मत हो जाए जी। वो हमारी अब जो अनुमति है उसमें भी ये लिखा गया है कि वो जो भी कार्यक्रम कराएंगे उसका एक वीडियोग्राफी करके रखेंगे और ज़रूरत मांगने पे वो हमको अवेलेबल भी करवाएंगे।